इस वीडियो में मैं बुक करने वाला हूँ चीपेस्ट फ्लाइट इन इंडिया एवरी सिंगल डे टू सी विच सिटी वी एंड अप इन। तो मैं हूँ अभी स्काई स्कैनर पे, मैं डालूंगा यहाँ मुंबई एंड डेस्टिनेशन में मैं सेलेक्ट कर लूंगा सिर्फ इंडिया। इससे ये मुझे इंडिया के सारे एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट दिखाएगा एंड आज जो भी चीपेस्ट होगी वी आर गोइंग टू बुक दैट। कुड बी एनीवेयर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पुणे, लेट्स सी। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नॉर्थ गोवा भाई, नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा जा रहा है। What do you mean North Goa जा रहा है? तेको नहीं पता? क्या नहीं पता? North Goa जिधर old people honeymoon के लिए जाते हैं, South Goa is where अबे लो South Goa dead होता है, North Goa में होती हैं सारी parties, cocaine. गोवा में बियर 60 रुपए की मिलती है। अबे तो बियर नहीं लेने जा रहे, उसके लिए गुड़गांव नहीं चल जाऊँ मैं नहीं पीता obviously. Anyways, so we will see you directly airport पे। भाई मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो गोवा में जैकेट पहन के जा रहा है। लिसन, आई एम वेल प्रिपेयर्ड। जैसे ही मैं गोवा लैंड करूंगा आई एम गोइंग टू स्ट्रिप डाउन लाइक एन ओनली फैंस होर। द ओनली रीजन मैं जैकेट पहन के जा रहा हूँ इज बिकॉज अगर गलती से स्काई स्कैनर ने हमको हिमाचल में कहीं शिमला मनाली भेज दिया ना, हमारे लॉट लग जाएंगे एंड हम चेक इन बैगेज नहीं लेके जा रहे हैं। दैट्स व्हाई द ओनली ऑप्शन इज टू वेयर द जैकेट। तो अभी बज रहे हैं 12:19, मेरी फ्लाइट है 145 पे, 2200 की पड़ी है। द ओनली इशू इज जैसे ही मैंने अपनी टिकट बुक कराई फ्लाइट सोल्ड आउट हो गई, तो इसकी डिफरेंट टिकट हुई है स्पाइस जेट की जो कि मेरे से एक घंटे पार्ट है। माई गोवा फ्लाइट हैज बिन डिलेड। भाई बस यही इशू है इन लो कॉस्ट एयरलाइंस का, स्पाइस जेट, अकासा एयर, देयर इज अ हायर चांस ऑफ दुआ लिपा फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एंड लैंडिंग ऑन मी एंड स्पाइस जेट टेकिंग ऑफ ऑन टाइम। भाई मेरी फ्लाइट 40 मिनट डिले हो गई। अच्छा, और तू तो स्पाइस जेट से जा रहे हो, वॉशरूम में ना फंस जाइयो। अरे just landed in Goa, North Goa to be specific. काफी बढ़िया एयरपोर्ट actually. I genuinely thought कि मुंबई से सबसे cheapest flight पुणे की होगी because it's like the shortest flight in the country. But I guess not. I mean I'm not complaining. कोई lunatic ही होगा who's going to choose पुणे over Goa. And that is 50 hate comments. Anyways. भाई फाइनली पौन घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई मैं तेरा, टू एब्सोल्युटली नो वन सरप्राइज शॉकर, हम दोनों की फ्लाइट डिले हो गई। भाई ये सारी है ना इंडियन एयरलाइंस टट्टी हैं, विस्तारा और इंडिगो के अलावा। बाय द वे फ्लाइट की टिकट प्राइस से है ना फूल मत हो जाना, फ्लाइट वाले ही 2000 की है। यहाँ से पता है कैब के कितने लग रहा है? 1200 एंड दैट्स न्यू एयरपोर्ट, साउथ गोवा वाले एयरपोर्ट से अप टू 2000 लग सकते हैं। दैट्स ऑलमोस्ट द प्राइस ऑफ द फ्लाइट। इतनी धूप है यहाँ पे। सनग्लासेस फ्रॉम लेंसकार्ट, माय कलेक्शन, यूज द लिंक इन माय प्रीवियस वीडियो। भाई ये क्या सिक्योरिटी है, मैं तो क्लाइम ही कर लूँ यहाँ से। 004 अपना ही फ्लैट है ना, किसी और के में घुसना चाहूँ? रुक जा, मी ब्रेकिंग इन टू माई ओन प्लेस। कोई नहीं आ रहा ना लेफ्ट राइट। क्या सिक्योरिटी है भाई, अपन को कोई मारना चाहता हो ना मार सकता है। इमेजिन किसी को सेक्स करते हुए पकड़ लिया। आजा मैं खोल रहा हूँ अंदर से। वेलकम टू द फ्लैट, पीओवी फ्रॉम अ रॉबर। व्हाट्सअप, अबे इतना बड़ा है ये, दो बेडरूम है, तो चेक भी नहीं करा था। डैम भाई सेक्सी है, 2 BHK भाई, इतना बड़ा टीवी, सोफा भी है। अगर एक बेडरूम ही होता ना और ये सोफा होता वही इतना काफी होता, मैं तो देखो यहाँ सुला देता वैसे भी। भाई वेदांत जो हमने की निकाला है वो इनको दे देना वापस। क्या मेरे पास क्या अंदर फिर रखा है क्या? नहीं नहीं, नहीं। हम जब आए थे खुला हुआ था ये अपार्टमेंट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बस खुली थी तो आ गए, थोड़ी ना बालकनी से चढ़ गए। नहीं नहीं वैसा नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल तो है भी नहीं कि बालकनी। भाई हाँ, हम लोग चाबी के बिना ट्रेसपास कर लिए प्रॉपर्टी में और वो बाद में आके बोलते हैं भाई साहब ये रही आपकी चाबी, आप अंदर कैसे हैं?
सो गोवा अभी इस टाइम रिलेटिवली चीप चल रहा है, ये मेरे को पड़ा अराउंड आई थिंक 3,500-4,000 का। आई मीन आई थिंक मुझे मुंबई में एक साल रह कर लुटने की आदत हो चुकी है। अगर मैं जयपुर से आता ना, दिस इज नॉट चीप। गोवा के प्राइसेस के हिसाब से इट्स ओके। हाँ, 3,500-4,000 में 2 BHK भाई। इसमें कितने? 2, और ये भी लाइक डबल बेड है उसमें 2, 6 जने हो गए, 6 जने रह सकते हैं। हाँ क्या? हाँ आई मीन हम दोनों थ्रीसम कर सकते हैं। तू सरकमसाइज्ड है? हुडी है या फिर हेलमेट है? देखो पता है ना सरकमसिशन में क्या होता है? हाँ, वो काटते हैं ना पूरा। डिपेंड्स ऑन द प्लान। मतलब जैसे मैंने अल्ट्रा प्रीमियम प्लान लिया क्या हो गया? मैंने अल्ट्रा प्रीमियम प्रो मैक्स प्लान लिया है, तो उसमें लाइक एकदम प्रिस्टीन कट्स लगा के देते हैं, लाइक एकदम परफेक्ट राइट एंगल्स। क्या? हाँ हाँ, अबे परफेक्ट राइट एंगल्स बना के। नाइक का लोगो देखा? मैं ठीक से नाइक लोगो बना सकता हूँ भाई। ओके, लाइक जेन्युइनली इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस प्लेस। दोनों बेडरूम्स में बालकनी है। मुझे अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आई प्रोबेबली ओवरपेड फॉर दिस। नॉट ओवरपेड, लाइक मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी जगह बुक कर ली जिसकी जरूरत थी नहीं। द इशू इज कि जब तुम इतना लेट बुकिंग्स करते हो तो ज्यादा प्लेसेस अवेलेबल होती नहीं है। तो जितनी भी प्लेसेस अवेलेबल थी अंजुना बीच के पास, उसमें से दिस वॉज वन ऑफ द ओनली प्लेसेस अवेलेबल। प्लस लोकेशन ऑफ दिस प्लेस इज लाइक अमेजिंग, लाइक जेन्युइनली अमेजिंग। अभी हम बाहर जा रहे हैं एंड तुम देखोगे भाई। ये बंद कर दे वरना कोई और ना आ जाए। तो ये ऑर्डर करने वाला है। इसमें तो बिग डील क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा। भाई बिग डील है या नहीं हो तो आप कमेंट में पता चलेगा। मेरा तो तुम्हें पता ही है, आई एम प्रीटी मच वीगन एक्सेप्ट चिकन। थिंक आई एम गोइंग टू गो अनियन प्लस टमाटो। आई आल्सो वांट टू ट्राई गोवन फूड रात में। फ्लोरेंटिन पता है ना देखो? नहीं तो? अबे चिकन जकूटी। What the fuck is जकूटी? चिकन जकूटी तो है नाम उसका, चिकन जकूटी तो है। चिकन जकूटी एंड चिकन चिकन कैफ्रियल, ये ट्राई करना है भाई। दिस लुक्स प्रीटी हेफ्टी बर्गर पैटर। तू हर बार ये क्यों पूछता है? ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। मुंबई में मेरे को पता है स्पॉट जहाँ पे बढ़िया बर्गर मिल जाता है, बट हाँ बहुत बड़ा है। ओके, बर्गर फैक्ट्री पे खाना खा के थोड़ा बहुत घूम कर आके वी एंडेड अप टेकिंग अ नैप। अभी बज रहे हैं रात के 11:45। थैंकफुली हम गोवा में हैं। यहाँ के बीचेस नॉर्थ गोवा के, दे आर ओपन 24/7। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, साउथ गोवा मेनली खाली और पीसफुल है बहुत। अगर तुम्हें आराम से चिल मारना है विदाउट एनी क्राउड, गो टू साउथ गोवा। बट नॉर्थ गोवा इज लाइक वीड, LSD, कोकेन। बट अगर मेरी मम्मी ये वीडियो देख रही है ना, दिस इज सैटायर। मैं ड्रग्स नहीं करता, मैंने आज तक ड्रग्स नहीं किए रात में भाई। ये भी अलग चीज है, मैंने इसको बोला कि स्कूटी की प्राइस 400 है, ये बोलता है भाई 500 की थी, मैं बार्गेन करके 400 के लिए आया। नहीं, मेरे को सामने बोला था 400, उसने देखो हायर प्राइस बता के बार्गेन करके नॉर्मल प्राइस पे ले आया। तू सबने स्कूटी पे गोप्रो लगाया है, आई होप लो लाइट पे हग ना दे। वी आर हेडिंग टू अंजुना बीच, होपफुली अभी पैक्ड होगी एंड होपफुली खाने की चीजें खुली होंगी। भाई 2 बार गिर गया रास्ते में भाई। स्टर्डी तो होते ही है, कुछ भी नहीं हुए, पूरा धड़ से जाके लुढ़का है कितना दूर तक। मैं एक बार छोड़ भी गया था। हाँ, लास्ट व्लॉग में छोड़ भी गया था मैं। यो दिस इज नाइस, कंपेयर दैट टू जुहू। सो वी आर एट अंजुना बीच, बिल्कुल लिटरली बीच में बैठे हुए, नीचे बैठे हुए थे बट सारी कुर्सियां गीली हो रही थी। और हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं गोवन फूड। आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन कैफ्रियल, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल पहली बार सुना था इसका नाम। तूने भी नहीं सुना ना ये? इट्स बेसिकली पालक पनीर होता है ना, इट्स पालक पनीर बट चिकन। देखने में तो यही लग रहा है, इट्स गुड। बर्गर फैक्ट्री से बेटर है, बर्गर फैक्ट्री इतना डेड था ना। बाय द वे ग्रांटेड मैंने चिकन बर्गर ट्राई करा था, ये बार बार बोल रहा है इसका बढ़िया था, इसका बढ़िया था, बट दोनों का ऑलमोस्ट सेम बर्गर था, सिर्फ मीट अलग थी। तो तेरा कहाँ से इतना बढ़िया होगा? मेरा मीट मेरे को अच्छा लगा। तेरा मीट मेरे को अच्छा लगा। अभी जो मैंने खाया ना, दैट वाज गुड। इट्स नॉट चिकन कोरमा लेवल, नॉर्थ इंडिया का चिकन कोरमा इज अनडिफीटेड, बट बर्गर फैक्ट्री से तो बढ़िया ही था। अभी हम जा रहे थलासा, डांस देख लो। फोटो काढ़ी था।
we just got stopped by police for the very daring and illegal possession of GoPro. उन्होंने हमको रोक लिया, बोल रहे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? बोलते ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, GoPro से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, GoPro by the way स्कूटी पे अटैच्ड है, तो उसका मतलब सारी गाड़ियां जिसपे डैश कैम अटैच्ड है ना वो इलीगल है। भाई पुलिस प्रॉब्ली बोर्ड थी, दे वर लाइक कोई नहीं मिला आज इन्हीं को पकड़ लेते हैं। हां बोल, ये कैमरा में मत मत वाले पुलिस ने देखो पकड़ा था, फिर बाद में किस पोजीशन के साथ? इलीगल सब्सटेंस के साथ, इलीगल allegedly, हाँ allegedly। आगे कितना ग्राम? सोच कितना लिया उसने? कितना लिया? 5,000। तो भाई तेरी, तू तो दे भी सकता है, इसके पापा की है ना भाई मुंबई में 5 प्रॉपर्टीज है। After driving for 20 minutes, finally पहुंच गया थलासा। यहाँ से फिर सीधा घर जाएंगे। भाई मैं पहला बंदा होऊंगा जो कोको कोला और स्ट्रॉबेरीज लिया है ब्रेकफास्ट में। भाई पहला वर्ड था वेकअप। वेकअप निगा वेकअप, क्या हुआ? ट्रॉमा हो गया क्या? Now the most important time, deciding कि next कौन से सिटी जा रहे हैं। इतना नर्वस क्यों हो रहा है तू? तेरे पास कपड़े हैं ना शिमला के? क्या? I hope कोई अच्छा लगा हो bro। शिमला अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, अभी के लिए अच्छा नहीं है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? रुक जा मैं देख दो। अरे भाई 3 है, मजे आएंगे। तेरे पास ड्रिप है भाई, तेरे पास ड्रिप है। तेरे को पता है ना शिमला में एयरपोर्ट नहीं है? आई थिंक है बट है भी तो नहीं है। अगर होगा तो कुल्लू जाना होगा। कुल्लू इज लाइक इवन सही क्यों कर रहा है? क्या शिमला? ओके मैं डाल रहा हूँ स्काई स्कैनर मोपा सर्च। ओके चीपेस्ट इज बैक टू मुंबई। क्या तो वापस मुंबई थोड़ी जाएंगे, नेक्स्ट चीपेस्ट देखेंगे। सेकंड चीपेस्ट इज चेन्नई। What do you mean, thank God? देखो तमिल आती है, 2% लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ पे। I'm checking कि अगर अपन किसी और डेट से कराते ना, अपन को सालेम की फ्लाइट मिल जाती 900 रुपए की। 900 रुपए की? हाँ, सिटी इन तमिलनाडु 900 रुपए की फ्लाइट। और दिस इज फकिंग क्रेजी बाय द वे, आज के दिन चीपेस्ट फ्लाइट है इम्फाल टू आइजावल 385 रुपीज। अबे इंडिया में ही है सबसे सस्ती फ्लाइट्स, वही होती हैं ऐसी शहर की जिनके तूने नाम ही नहीं सुना है। और मैं फरवरी की चीपेस्ट फ्लाइट्स देख रहा हूँ, 200-300 की फ्लाइट्स हैं। ले सकते हैं अपन को पहले इम्फाल जाना होगा। दैट हैज टू बी लाइक चीपेस्ट फ्लाइट लाइक एवर, 285। कैब की प्राइसेस इससे ज्यादा होती है। मैं इससे ज्यादा खा चुका हूं, इससे ज्यादा हेयर कट करा चुका हूं। तो अभी हम लास्ट कुछ मोमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू हेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन चेन्नई। अगर है ना कभी एलियन साइटिंग होती है ना इंडिया में, तो वो गोवा में होगी पक्का। जब तक नहीं होती ना तब तक मैं बिलीव ही नहीं करूंगा कि एलियंस आर रियल। लोग बोलते हैं कि श्योरली कि तुम है ना इतना रिटार्डेड नहीं हो कि तुमको लगता है कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ ह्यूमंस ही स्पीशीज है। वी आर दैट रिटार्डेड, बिलीव इन योर ओन सोर्स, वी आर द ओनली स्पीशीज। जब भी एलियन साइटिंग होती, अबे धीरे चलाना, प्रो ऑन टू नथिंग, अगर किसी ने कमेंट किया ना मां चूंगा तुम्हारी। जब भी एलियन साइटिंग होती है, व्हाई इज इट ऑलवेज सम ओवरवेट पॉल फ्रॉम कैंसस? हां बता, अबे हंस क्या रहा है, बोल के आंसर देना। व्हाई इज इट ऑलवेज ओवरवेट डॉन फ्रॉम कैंसस सिटी? हमेशा अमेरिका में होती है, वो कौन सा एरिया 42? कभी गुड़गांव में क्यों नहीं मिलता एलियन? कभी फरीदाबाद में क्यों नहीं मिलता एलियन? बता, हमेशा इट्स ऑलवेज सम टेक्सस। भाई ऑस्टिन टेक्सस में ही होता है हमेशा सब कुछ, वही एरिया 42-69 लगा रखा। भाई कुछ नहीं है, सब स्कैम है, कोई कुछ नहीं होते एलियंस। This motherfucker almost ran over a dog, bro. अरे bro chill।
फॉर द थर्ड टाइम इस ट्रिप पर. तेरा है ना किल काउंट है ना एक्चुअल बॉडी काउंट से ज्यादा होने वाला है. हम है अर्जुना पे. बढ़िया वाइब है. लाइक इट इज ह्यूज एंड पेंटिंग्स लगी हुई है यहाँ पे माइक टाइसन वगैरह की. इन 10 इयर्स मी. हाँ लिखा हुआ होगा भाई. सर शायद विजिटेड दिस इन 2023. क्या माइक टाइसन तो पता. वो कौन है बता. ये है रमीज राजा. हाँ तेरे को नहीं पता. मुझसे पूछ रहा कौन हम पे एड्स आते हैं उसके साइड में. कभी गेम्स के भी ऐड आते हैं ना. एक बार ना गेम का ऐड आया था उसमें एलियन होता है. हाँ पता देखा है वो ग्रीन कलर का ना. नहीं नहीं जादू जादू वाला. फोन पे नहीं मैं इंडियन वाले वो उस पे साइड पे था. अबे क्या आज कह रहा है इंडियन फोन बेटर होता है. हाँ ठीक है. उसमें जादू अर्थ पे आता है एंड हिज जॉब इज टू फक ऑल मल्लू वुमेन. वहाँ जादू आता है अर्थ पे लैंड होता है और है ना सारी मल्लू वुमेन को लिटा देता है. एक्चुअल गेम है. सारी मल्लू लड़कियों को क्या हो गया. एम्बैरेस क्यों हो रहा है. बोलेगा ये सब क्या बात कर रहे हो तुम लोग. तो क्या लगता है तमिल वुमेन मौन तमिल में करती है हिंदी में. मौन तो एक ही लैंग्वेज में होता है ना. इमेजिन तमिल में डर्टी टॉक. आई लव तमिल बाय द वे. टॉप 10 इंडियन लैंग्वेजेस फॉर श्योर. चोक मी डैडी प्लस करा ये क्या. इसने पूरी बुक लिख दी. भाई इस पर मैं डांस कर लू. इस पर मौन नहीं होता. मजाक कर रहा हूँ सिर्फ. I love Tamil, I love Telugu and all the bottom languages, south languages. भाई I don't understand इसको लोग pork और उससे कैसे खाते हैं. हाँ वही बात है. लेकिन ये पराठे. This is very good. Like this is the closest croissant I've had to. हाँ मुंबई में भाई बहुत ब्रेडी होता है. This is meant to be like बहुत हल्का. पाव शोकला. प्रोनाउंस क्या. पाव शोकला. देख पाव as in पाव. गांव में लड़के को क्या कहते हैं छोरा. उसको क्या है शोकला. पाव शोकला. Shout out Vedant for these pics. कितने का पड़ा थे वो. He bought a shirt from here. From the salary I gave him. अरे भाई sorry. अरे क्या sorry क्या बोल रहा है. 275. But मैंने matching shirt लिया है. मेरे चारों दोस्तों के लिए. W friend भाई W friend. Salary से दोस्तों के लिए shirt ले रहा है. भाई वो croissant इतना बढ़िया था ना. एक और ले लूँ क्या. तेरे को लगता है चेन्नई इज गोना टॉप गोवा. चेन्नई का तो मुझे को लग रहा है कुछ गांव है. अच्छा खासा सिटी है पता ना. मैंने कोई बोला ही नहीं. गाँव खुद ही बोल रहा है. भाई दिस इज द बेस्ट थिंग एवर मेड. भाई तेरे लिए बचा दिया थोड़ा. All right, we are back on the airport after a day. गोवा आने के लगे 2000 फ्लाइट के 3000 कैब 1500 आना जाना. ये स्मगल करने वाला है. स्मगल नहीं करने वाला. I don't know allowed. नहीं दिखा तो. Bro, I don't know कहाँ पे है. ये बॉम्ब का शूटर स्मगल करने वाला है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के थ्रू. इमेजिन अगर इसको पकड़ लिया जेल में डाल दिया. अगर तुम्हें नहीं पता ये शूटर एक ही चीज के लिए यूज होता है एंड वो है बीड. अलेजेडली Welcome to the second destination. Let's see what's Chennai cooking. अभी तो हम ही कुक हो रहे हैं. इंडिगो का एसी ऐसा लग रहा था चल ही नहीं रहा पूरी फ्लाइट में. एक चीज जो मैंने नोटिस की लैंडिंग के टाइम यहाँ के हाउसेस बहुत रंगीन है. अबे कलरफुल है. तो अभी हम मेट्रो ले रहे हैं. बाय द वे चेन्नई ऑलरेडी हैज वन डब. एटलीस्ट यहाँ पे टैक्सी वालों के लिए बेंड ओवर नहीं होना पड़ेगा. ऑल्सो यहाँ पे एयरपोर्ट से मॉल अटैच्ड है. मैं बहुत सारे क्रोसॉन्ट पेल कर आ गया ऑलरेडी तो मैं अभी कुछ खाने नहीं जा रहा. आई एम टेकिंग अ मेट्रो स्ट्रेट इनटू द सिटी. यही अपना बंदा हुआ है ना. भाई इस कुत्ते को है ना मैं दिल्ली ट्रीटमेंट दे दूंगा. तो सबके ऊपर भौंक रहा है. उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा था फ्रेंडली डॉग है तो इनको क्या एयरबीएनबी के साथ सेक पार्टनर देना जरूरी था क्या. फाइनली चाबी मिल गई. हाँ चाबी मिल गई तो अब भौंकना बंद कर दिया वो. He has realized this guy has money. अभी फिर हिंदी बोलूंगा फिर भौंकने लग जाएगा. अब भाई ये क्या डाउनग्रेड है. इतना बड़ा डाउनफॉल. भाई मैंने तो जो सस्ता था वो बुक कर दिया था बिना पिक्चर देखे. जीबी रोड पर भी ऐसे करता हूँ. टाइम फॉर द रिवील. इसके नीचे देख रहा हूँ कोई कीड़ा वीड़ा निकल पाएगा. इट्स एक्चुअली क्लीन. ओ ऊपर भी है बेड. भाई डबल बेड है. डैम तो तेरे को क्या लग रहा है तू ऊपर सोएगा.
तो लगा मैं यहाँ पे सोऊंगा, मेरे को मालूम नहीं था ऊपर बेड है। तेरे को लग रहा है तू ऊपर सोएगा? मेरे को मालूम नहीं था ऊपर बेड है, मैं वो बोल रहा हूँ। तेरे को लग रहा है तू बेड पे सोएगा? So short tour of the place. This is first floor, that is second floor. ये है किचन एंड ये है वॉशरूम एंड ये है एसी जो आई डिडंट थिंक मुंबई से बकवास कोई भी वेदर हो सकता है बट हेयर वी आर फरवरी चल रहा है और मुझे पसीने आ रहे हैं। वो ऊनो है भाई ऊनो। किधर है एसी का रिमोट? ये तो रहा। By the way, यहाँ पर कोई भी हिंदी नहीं बोलता एंड when I say कोई भी लिटरली कोई भी नहीं, 100 में से एक दो जने हिंदी बोलते। हम ऑटो ढूंढ रहे थे इतनी देर तक, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हम सबको गूगल मैप दिखा रहे कि यहाँ जाना है यहाँ जाना है। जिस ऑटो से हम आए ना वो एक ट्रांसलेटर बिठा के लाया अपने साथ, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। So as you can see पूरे इंडिया में तमिलनाडु लोएस्ट है हिंदी स्पीकिंग में। ओनली 2% लोग पूरी पॉपुलेशन में हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है। नहीं रखना चाहिए ना, वही तो है इंडिया का लैंग्वेज हिंदी है। तेरे को थोड़ी सी भी नहीं आती? कन्नड़ आता है। हाँ। इसको तो मराठी भी नहीं आती है ढंग से। मेरे को मराठी आती है। का मैप देखेगा ना तू, राजस्थान में 95% लोगों को हिंदी आती है। भाई कितने हरामी है, मतलब जयपुर वाले किसी को मारवाड़ी नहीं आती। मैंने जयपुर में ना आज तक 2-3 लोगों को मारवाड़ी बोलते हुए देखा है, वो राजस्थान की लैंग्वेज है। नहीं आती ना, 95% लोग हिंदी बोलते। ओनली टाइम मैंने राजस्थान में किसी को मारवाड़ी बोलते हुए देखा है तब वो जब मैं अपने पापा के गाँव जाता था मालपुरा। हम हिंदी बोलते हैं जयपुर में। क्या हिंदी बोलना चाहिए? जो हिंदी नहीं बोलते उसको मार देना चाहिए। तेरे मम्मी पापा तो मराठी बोलते हैं। देख ये खुद के पेरेंट्स की ऑनर किलिंग करा रहा है। सो मैंने जोमेटो करके ये जगह ढूंढी है, इट्स कॉल्ड द बोर्ड रूम। इट्स बेसिकली यहाँ पे बैठ के इंडोर गेम्स खेल सकते हैं फॉर 100 rupees पर आवर, 130 ऑन वीकेंड्स। एंड आई थिंक दिस प्लेस इज काइंड ऑफ यूनिक, सो यहाँ पर जा सकते हैं। भाई मुझे एक चीज जो सरप्राइजिंग लगती है, किचन नहीं, विच इज प्रोबेबली द लीस्ट हैपनिंग मेट्रो सिटी इन इंडिया, हैज द मोस्ट एंटरटेनिंग आईपीएल टीम ऑफ ऑल टाइम। लाइक तुम चेन्नई के जो लोगों को जाके बोल दोगे कि चेन्नई इज बोरिंग, चेन्नई की बुराई कर दोगे, चेन्नई वाले कुछ नहीं कहेंगे, बट तुमने CSK की बुराई कर दी। ऑल ऑफ अ सडन योर फैमिली इज मिसिंग एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम मी, मैं खुद CSK का डाई हार्ड फैन। Among Us भी है। वो लोग में क्या Among Us करेंगे? भाई हम चेन्नई आने वाले हैं, तेरे को पता है ना वीडियो में। अच्छा नहीं है। देख मैदान पे देख किसकी ज्यादा जोड़ है। भाई मेरी टीम एनवर्ड भी बोल सकती है। ले गया तेरा वाइट प्रिविलेज। वेदांत गॉट ब्लैक्ड, इतना बुरा हरा है। चल भाई नीचे। एक्चुअली नाइस एक्सपीरियंस, लाइक ज्यादातर चीजें यहाँ पे बंद थी, सो दैट वाज द ओनली प्लेस वी कुड गो। लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू चल रहा है। तमिल भाई एकदम हलवा लगता है। कैन आई से दैट? टू बी ऑनेस्ट जब फॉरेनर्स आते होंगे उनको भी हिंदी देखकर ऐसा ही लगता होगा। लाइक घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे एक बंदा आया था यूरोप से, वो जाके सबसे पूछ रहा था वेयर इज घाटकोपर। ओके हिंदी नेशनल लैंग्वेज है ना। अभी जो कैब आ रहा है ना उसका ड्राइवर को तू बोलेगा हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों फट रही है? मुझे कुछ इंसेंटिव चाहिए। मैं 500 दूंगा। 500 पक्का? हाँ 500। गुस्सा हो जाएगा वो, यू डोंट नो यहाँ के लोग। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अगर गैंग वाला निकला ना तो गया तू। भाई हिंदी आता आपको? मैं पहली बार चेन्नई आया हूँ, चौक गया देख के, हिंदी नहीं आता है लोगों को। हिंदी नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश आती नहीं लोगों को, हिंदी सिखा रहा है बहुत। मुंबई कांदीवली। मुंबई में क्लोज नियर बाय। वाइफ मस्ट बी नोइंग हिंदी वेल। मुंबई नेसेसरी, हिंदी इज बेस्ट लैंग्वेज फॉर नॉर्थ इंडिया, एवरीवन यूजेस हिंदी ओनली। जब मैं तेरे को बोल रहा था बोलने के लिए कि तूने बोला कि यू शुड लर्न हिंदी, हट गई तेरी उस टाइम मुद्दिया। वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, और जो तू इतना सब कुछ बोल रहा वो नहीं। बाय द वे गाइस ये सब है ना मजाक कर रहा था, ये थोड़ा सा ही रेसिस्ट है। थोड़ा ज्यादा है। Anyways, आज के लिए इतना ही, मैं बहुत थक गया हूँ, बस चॉकलेट वार खा के मैं अब सोना जाऊंगा एंड कल वापस वी गो अगेन टू नेक्स्ट सिटी। ओ
ऑल राइट, जस्ट वोक अप। भाई ये कमबख्त कुत्ता इतना भौंका है पूरी रात। तुम्हें मैं अपनी बेडशीट की हालत दिखाता हूँ। भाई मैं ऐसे सोया हूँ, मैंने सोते में ही ऐसा कर दिया। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, बट मेरे साथ ये बहुत होता है। जब भी मैं सुबह उठता हूँ मेरी बेडशीट की एकदम धचिया उड़ी हुई होती है। आई एम स्केयर्ड ऑफ माई सेल्फ। मैंने रात में ऐसा क्या किया? सो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस। देखो पता है फ्रेंच ने मद्रास को ऑक्यूपाई कर रखा था 1750s में। हाँ, फिर दे एक्सचेंज इट फॉर सम सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। अगर वो नहीं हुआ होता ना, अभी चेन्नई एम्बापे में बात कर रहा होता और हर जगह बगेट बिक रही होती है। एंड यू ऑलरेडी नो हाउ मच आई फकिंग हेट बगेट, सो आई एम ग्लैड फ्रेंच गेव इट अवे। हमारे लिए चिकन 65 बढ़िया है। ये है मरीना बीच। आई नो मैंने कहा था कि मैं कोई बीच पर नहीं जाऊंगा, बट दिस इज अ स्पेशल बीच। ये जब बारिश होती है ये पूरी बीच गायब हो जाती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मरीन ड्राइव। एंड अपेरेंटली दिस इज वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट बीच। फर्स्ट लॉन्गेस्ट आई थिंक इट ब्राजील का कोई है। सो अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे जितने भी सारे स्टॉल्स हैं मोस्टली बंद पड़े। वी आर हियर टू डिसाइड कि नेक्स्ट सिटी कौन सा होने वाला है। फ्लाइट अभी एक घंटे में हो सकती है, दो तीन घंटे में हो सकती है, शाम में भी हो सकती है। उसी के हिसाब से वी विल डिसाइड कि और कितना घूमने का टाइम। सो आई हैव ओपन स्काई स्कैनर, मैं डाला है चेन्नई डेस्टिनेशन इंडिया। आई बैग हिमाचल आ जाए भाई, मुझे हिल स्टेशन जाना है अब कोई। आई एम टायर्ड ऑफ सैंड। ऑलराइट तू दबा सर्च। व्हाट इज इट? क्या बेंगलुरु? भाई कितना डोसा ठूसू मैं। वेट, सिर्फ 1400 रुपए की है भाई। गोवा वाली 2200 की थी। अच्छा पास है यहाँ से बैंगलोर बहुत। 1:20 अभी हो रहे हैं। ओह हमको निकलना है भाई 1 घंटे में। कोई नहीं भाई, एटलीस्ट कुछ शॉर्ट्स तो लेकर ही जाएंगे। बाय द वे मैं इस ट्रिप पे लैपटॉप लेकर ही नहीं आया, मेरे बैग में मोस्टली सिर्फ इक्विपमेंट ही है। सो आई एम गोइंग टू पुट दैट टू यूज। हर चीज हर स्टॉल बंद पड़ी है अभी तो। इसकी तो हालत जुहू बीच जैसी हो रही है। बल्कि इफ एनीथिंग जुहू बीच अभी रिसेंटली क्लीन हो गई काफी। जब शुरू में मैं आया था ना तब बहुत गंदी थी। अब वर्सोवा बीच क्लीन है, मच्छरों से क्लीन नहीं है। हम सब पे इतना खाली कैसे है? दिल्ली का भी मजेंटा लाइन वाला ऐसे ही, इसमें कहते हैं जो एयरपोर्ट से था वो भी था ऐसे ही था। फन फैक्ट, दाऊदी ब्राय ट्रांसेक्सुअल था। हाँ ठीक है ना भाई? क्या ठीक है ना तू? हाँ, दिस इज व्हाई लेस्बियन इज द बेस्ट जेंडर। भाई तूने कभी होमोसेक्सुअलिटी से एक्सपेरिमेंट किया? नहीं। क्यों नहीं किया? नहीं करना। क्यों नहीं करना? नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे ब्रो चिल। क्यों नहीं करना? एवरीवन शुड। हाउ कैन यू हेट समवन फॉर ट्राइंग? सक माय डिक। अभी 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 ले माय लंच। चिल। अबाउट टू सक सम टिडीज ब्रो। थैंक यू। व्हाई दिस कोलावरी कोलावरी डी? भाई ये भी अलग ही गया, चेक-इन काउंटर पे बोलकर आ गया व्हाई दिस कोलावरी, क्योंकि इसको विंडो सीट नहीं मिली। भाई दोनों ही अपन है ना थोड़े अकूस्टिक हैं। ओके सेकंड डेस्टिनेशन डन, ऑफ टू बैंगलोर नाउ। आई थिंक हम नए वाले एयर इंडिया से जा रहे हैं। आई थिंक इस वाले में है वो नया बिजनेस क्लास। तो बैंगलोर टू मुंबई अगर नया वाला होता है आई माइट ट्राई बिजनेस क्लास। वेदांत को नहीं बता रहा मैं। एयर इंडिया गॉट द बिगेस्ट ग्लो अप आई हैव एवर सीन। ऐसी एयरलाइन जिसको लोग भूलते थे उसने आज इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रख दिया। एक्चुअली बहुत अच्छा था। एंड भाई द क्रेजीएस्ट पार्ट इज कि ये फ्लाइट इस वीडियो की सबसे चीपेस्ट फ्लाइट थी। 1200 में ये सब मिल गया, 1200 में खाना मिल गया। Anyways, welcome to Bangalore. Can't wait to see the amazing infrastructure. Smooth, empty roads. I hope हमारा होटल भी आस पास ही होगा एंड पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आई होप पहला कैब वाला हमारी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेगा।
वेलकम टू बैंगलोर मदर फ़कर। चेन्नई में हम मारुति 800 के गैराज में रह रहे थे, यहाँ पर हम रह रहे कोरामंगला में, लैंड ऑफ मिलियनेयर्स। बाय द वे, मेरे को लगता है दिस इज नॉट एन एयरबीएनबी, आई थिंक दिस इज अ होटल डिस्गाइजिंग एज एन एयरबीएनबी। आई हेट होटल्स बिकॉज जैसे ही मैं होटल के ऊपर बैठता हूँ ना ऐसे करके कमन करता है। सून एज आई सिट ऑन द बेड आई जस्ट वॉन्ट टू कम एवरीवेयर एंड होटल हैज हैड माई बेस्ट वैंग्स। तेको पता है हैदराबाद में जब हम रूम शेयर कर रहे थे होटल में, हाँ जब तेरे मैनेजमेंट ने तेको रूम दिया था, हाँ जिसमें हम दोनों एक साथ शेयर कर रहे थे, हाँ। By the way, जिस कैब से हम आ रहे थे ना उसके ड्राइवर ने ही रिफ्यूज टू टर्न ऑन एसी, बोलता है ओला मिनी में एसी नहीं आता। चला क्यों नहीं रहे एसी? एसी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? हाँ। अच्छा 200 दूंगा तो चला दो क्या? भाई चुप हो गया वो, और बाद में एसी ऑन कर दिया जब ही रियलाइज की वी आर रिकॉर्डिंग। ऑल्सो कितना दूर था भाई, हमको 1 घंटा 5 मिनट लगा यहाँ पर पहुंचने में, एंड आज ट्रैफिक नहीं था। ओ, आज ट्रैफिक नहीं था? हाँ देखा नहीं, आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। दो मिसकंसेप्शन तो क्लियर हो गए, एक की बैंगलोर में हमेशा ट्रैफिक होता है, दूसरा बैंगलोर में एक्चुअली हिंदी बोल रहे हैं। मैंने स्टोरी डाली थी भाई, बोल रहे हैं भाई हिंदी मत बोल दिया कुटाई हो जाएगी तेरी, स्पेशली कोरामंगला में ज्यादातर लोग हिंदी बोल रहे हैं। भाई चेन्नई में हालत खराब हो गई थी हमारी, दैट प्लेस हॉन्ट्स मी भाई। इतनी एंग्जाइटी हो रही थी ना ऑटो वालों से बात करने में भी। By the way, when I said land of millionaires, I wasn't joking. I'm pretty sure Koramangala has the highest number of millionaires or something like that. Like, देखकर ही पता चल रहा है एरिया बहुत बढ़िया है, सारे रेस्टोरेंट्स यहीं पर भरे पड़े हैं। आई डोंट थिंक ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, हम जा रहे हैं टू व्हीलर रेंट करने बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंगलोर फेमस है हाई कैब चार्जेस के लिए, सेकेंड थिंग बैंगलोर फेमस है बहुत ट्रैफिक के लिए, सो दैट्स व्हाई हम स्कूटी रेंट करने वाले हैं। By the way, प्लैनेटेरियम म्यूजियम्स वो जो भी है, नेहरू प्लैनेटेरियम और म्यूजियम वो सब क्लोज हो चुका है अभी, बिकॉज हम पहुंचे ही शाम में तो टाइम बचा नहीं है, बट मेरे को जल्द से जल्द डोसा पेलना है। हमने चेन्नई में भी नहीं खाया था, साउथ इंडिया आके बिना डोसा खाए जाएंगे, दैट्स नॉट फेयर। आई डोंट इवन नो कि ये साउथ इंडियन डिश है या नहीं। हम बस घर से बाहर निकले, थोड़ा स्कूटी ड्राइव किया, जिस प्लेस पे सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां पर आ गए। इट्स चिकन मस्का आई थिंक। Bro, I have decided कि अब मैं ना हाई प्लेसेस पे जाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे इसी रोड पर है ना मेघना फूड्स है, तब बोल रहे जाने को नहीं जा रहा। भाई एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया, आई थिंक बैंगलोर इज द गेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ग्राइंडर के सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन यहीं पर होंगे, जो गाने बज रहे हैं ना उससे पता चल गया। गे पीपल हैव द वर्स्ट म्यूजिक टेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या इट्स अ फैक्ट, साइंस प्रूवन फैक्ट है। भाई ये क्या कर रहा है, न्यूटेला और चिकन को कंबाइन कर रहा है, ट्राई कर रहा हूं ना भाई, बट बैंगलोर इज द गेस्ट सिटी। दिस इज द सिटी जहां पे लोगों का फेवरेट स्पोर्ट प्रोबब्ली बैडमिंटन है। हु द फक प्लेस बैडमिंटन? मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रेटेस्ट स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट? नहीं 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 नहीं, कबड्डी, इट हैज टू बी कबड्डी। अब हम जाएंगे डिप्रेशन देखने चिन्नास्वामी। आई फील लाइक इस रोड पर सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई करने के लिए 1 साल लग जाएगा भाई, इतने सारे कैफेज है एक ही सड़क पे एंड सब पैक्ड है भाई, कोई भी ऐसा खाली नहीं दिख रहा। इमेजिन करिए अमेरिका एंड दैट्स अ स्कूल फुल ऑफ चिल्ड्रन। अलाइन बैक इन फ्रंट बिलो द ब्लैक सर्कल, ब्लैक पे गया सीधा। अब बोल रेसिज्म कंफर्म इस करे ना, बाकी सारी बात जिम्मे ले लूंगा तेरी। यही नहीं खुल रही, झटके दे दे के खोल रहा है वो, राइफल तेरे से ज्यादा वे करती है। दूसरे टारगेट में मार दिया, कहां पे मार दिया मैंने, बेटर क्या बता मेरे को ब्रो, तूने आउट ऑफ मैप मार दिया। ओके दैट वाज अमेजिंग, फर्स्ट दो शॉट मैंने जानबूझ के मिस किए टू डिस्प्रूव द स्टीरियोटाइप, इसने सारे शॉट मिस किए बिकॉज ही इज जस्ट गार्बेज। तूने चंडीगढ़ में बॉलिंग में भी बहुत बुरा हगा था ना, कौन सा मेरे को याद नहीं, तेरे आखिरी एग्जाम में भी रीटेस्ट आया था ना, हां वो आया था। व्हाई आर यू अलाइव, तू जिंदा क्यों है, तू थेरेपी दे रहा है, तू पेरेंट्स के लिए बोझ क्यों बना हुआ है। Of course, we are finishing the day with a dosa. Don't cry because मैं तुम्हारे favorite dosa restaurant नहीं गया। हम 2-3 जगह होकर आए थे, सब बंद पड़ा है अभी, एकदम रात हो चुकी है। हम UB City Mall गए, वहाँ पे भी almost सब चीज़ें बंद पड़ी थी, सिर्फ फर्जी कैफे खुला था and I don't want to take a loan to eat. I don't know ये एरिया कैसे पॉपिंग है, हम जहाँ से आ रहे सारे एरिया सुनसान पड़े हैं। हाँ इट्स गुड,
इज गुड अगर जनरली अच्छा ऑयली है बट ज्यादा चर्च स्ट्रीट भाई इसलिए यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट खुले पड़े हैं ब्रो अगर तूने ये डाउन कर ली 500 एक सिप में अबे तूने देख कितना बड़ा है 700 अच्छा सुन जैद अगर मैं जो पीछे बंदा है उसके साथ जाके नाचा तो तू कितना देगा दाना हजार किलो कितना 1700 1700 1650 1675 1600 जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर काउंट 300 के हिट कर जाएगा ना मैं इस वीडियो का ग्लोबल वर्जन करूंगा मार्क माय वर्ड 300 के सब्सक्राइबर्स